जी हाँ, आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बार्बर शॉप ओपन करने के लिए आपको कौन कौन सा गवर्नमेंट लाइसेंस की आवश्यकता होगी, वो गवर्नमेंट लाइसेंस अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, वो लाइसेंस आपको कैसे प्राप्त होगा और कितना दिन में प्राप्त होगा और उसके लिए आपको कितना पेमेंट करने की आवश्यकता होगा। तो बार्बर शॉप लाइसेंस का ये डिटेल्स वीडियो होगा, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो है बार्बर शॉप ओपन करने के लिए पहला जो लाइसेंस की आवश्यकता होगी वो होगी एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन। एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन ये सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस है। इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम के लिए होता है, आपको एक बार अप्लाई करेंगे लाइफ टाइम के लिए वैलिड होगा, ठीक है। अभी हम चलते हैं नंबर सेकंड लाइसेंस। नंबर सेकंड जो लाइसेंस है उसको बोलते हैं ट्रेड लाइसेंस। ट्रेड लाइसेंस जो है ये आपका स्टेट गवर्नमेंट का लाइसेंस है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस नहीं है। ये आपका जो लोकल स्टेट गवर्नमेंट जो होंगे उसका लाइसेंस है। ये आप अगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आपका बार्बर शॉप है तो म्यूनसिपल काउंसिल ये प्रोवाइड करेगी। अगर आपका शॉप एनएससी के अंडर है तो एनएससी काउंसिल प्रोवाइड करेगी। अगर आपका शॉप ग्राम पंचायत एरिया में है तो ग्राम पंचायत से ये इशू होगी। और इसका जो वैलिडिटी है आपका स्टेट के वाइज सभी स्टेट का ये अलग अलग है। कोई स्टेट पे ये 1 साल वैलिड है, कोई स्टेट पे 3 साल है, कोई स्टेट पे 5 साल है, कोई स्टेट पे लाइफ टाइम के लिए भी इसका वैलिडिटी है। तो स्क्रीन पे जो नंबर शो कर रहा है उस पे कॉन्टेक्ट कीजिए। आप हमको आपका स्टेट का नाम और आपका शॉप का डिटेल्स एड्रेस फुल एड्रेस बोलिए, हम आपको बता देंगे आपका स्टेट का ट्रेड लाइसेंस कितने साल का वैलिड है, ठीक है। अभी हम चलते हैं नंबर 3 लाइसेंस। नंबर 3 लाइसेंस पे जो आती है उसको बोला जाता है लेबर लाइसेंस। आपका जो बार्बर का जो शॉप है उस पे कितना बार्बर काम करते हैं, उसका जो टोटल नंबर ऑफ बार्बर टोटल अमाउंट ऑफ बार्बर कितना है, उसका जो रजिस्ट्रेशन को लेबर लाइसेंस बोला जाता है। ये भी आपका स्टेट गवर्नमेंट का ही लाइसेंस है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस नहीं है। और उसका भी जो फीस है सर हर स्टेट का अलग अलग है, ठीक है। अभी चलते हैं नंबर 4। नंबर 4 पहले देखिए, ये जो 3 लाइसेंस में बताया ना सर, ये इंडिया में आप कोई भी स्टेट पे बिजनेस क्यों ना करो ये तीनों लाइसेंस लेना ही लेना है, कंपलसरी लाइसेंस है। पहला जो है एमएसएमई उद्योग रजिस्ट्रेशन, ट्रेड लाइसेंस, लेबर लाइसेंस, ठीक है। अभी जो मैं ये 3 लाइसेंस के बारे में बात करूंगा ये कोई कोई स्टेट पे मैंडेटरी है, कोई कोई स्टेट पे ये मैंडेटरी नहीं है, मतलब कोई स्टेट पे ये लेना कंपलसरी है और कोई कोई स्टेट पे ये नहीं लेंगे तब भी चलेगा। तो चलिए अभी हम बात करते हैं पहले उस नंबर 4 पे जो आता है उसको बोला जाता है हेल्थ ट्रेड लाइसेंस। ये हेल्थ डिपार्टमेंट से इशू होती है, ठीक है। और इसका जो वैलिडिटी भी होता है ये हर स्टेट के वाइज अलग अलग है। ये जो है हेल्थ ट्रेड लाइसेंस जो होता है ये भी एक स्टेट गवर्नमेंट का लाइसेंस है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस नहीं है, ठीक है। अभी हम चलते हैं नंबर 5। नंबर 5 पे जो लाइसेंस आती है उसको बोला जाता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। इसका फुल फॉर्म है गुड एंड सर्विस टैक्स। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का लाइसेंस होता है। आप जो जीएसटी फाइलिंग करते हो 50% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, 50% स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, ठीक है। और इसका जो आप एक बार जीएसटी लोगे तो उसका आपको ईयर मंथली मतलब 1 महीना में एक बार, नहीं तो क्वार्टरली 3 महीना में एक बार जीएसटी फाइलिंग करना पड़ता है। अभी हम चलते हैं आगे, फिर आ गया नंबर 6 लाइसेंस जो है उसको बोलते हैं पीटी रजिस्ट्रेशन। पीटी रजिस्ट्रेशन का फुल फॉर्म है प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन। ये भी एक स्टेट गवर्नमेंट का लाइसेंस है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस नहीं है, ठीक है। और ये जो है हर स्टेट के हिसाब से उसका जो फीस है अलग अलग पड़ेगा। अभी चलते हैं फिर आगे। आगे जो सर्टिफिकेट है उसको बोल जाता है ISO, इंटरनेशनल क्वालिटी मैनेजमेंट के तरफ से ये इशू होती है। ये कोई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस नहीं होता, इसका एक काउंसिल है जेनेवा में, वो इशू किया जाता है जो क्वालिटी के लिए। आप बहुत सारा पैकेट पे देखोगे ISO 9001:2015 लिखा होगा, वही आपको बार्बर शॉप के लिए भी लेना होता है ISO। इसका जो वैलिडिटी होता है ये 3 साल के लिए होता है, 3 साल के लिए इसका वैलिडिटी है, ठीक है। तो फिर एक बार मैं आपको बता देता हूँ लाइसेंस क्या क्या है। ट्रेड लाइसेंस है, एमएसएमई उद्यम है, लेबर लाइसेंस, ये
तीनों तो लेना ही लेना है आपको, और जो है हेल्थ ट्रेड लाइसेंस, जीएसटी, पीटी रजिस्ट्रेशन, आईएसओ, ये आपका स्टेट के वाइज हम आपको बता पाएंगे आपको ये लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, अभी हम चलते हैं डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में आपका जो भी प्रोपराइटर होंगे, प्रोपराइटर का आधार कार्ड, प्रोपराइटर का पैन कार्ड, प्रोपराइटर का पासपोर्ट साइज फोटो के साथ साथ जिस जगह पे आपका बार्बर शॉप है वो अगर आपका खुद का जमीन पे है तो प्रॉपर्टी टैक्स का रसीद, नहीं तो ओनरशिप डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगा। अगर आप रेंट पे ले हो तो रेंट एग्रीमेंट लगेगा। अभी हम आपको बताएंगे ये लाइसेंस आपको कैसे रिसीव होगा। ये लाइसेंस आपको ईमेल आईडी, जो अप्लाई करते वक्त जो ईमेल आईडी दोगे, ईमेल आईडी पे आपको रिसीव होता है, उसका प्रिंट आउट निकाल के आपका दुकान पे लगाना पड़ता है। अभी हम चलते हैं प्राइस। प्राइस जैसे मैं आपको बताया सर, हर स्टेट के वाइज ये अलग अलग प्राइस है, तो स्क्रीन पे जो नंबर शो कर रहा है उस पे कॉन्टेक्ट कीजिए, हमारे टीम के साथ डिटेल्स में बातचीत कीजिए, हम आपको बता देंगे आपका स्टेट के अनुसार आपको कौन कौन सा लाइसेंस लेना पड़ेगा और आपको टोटल अमाउंट कितना खर्च करना पड़ेगा। तो डर किस बात की, स्क्रीन पे जो नंबर शो कर रहा है उस पे कॉन्टेक्ट कीजिए और घर बैठे ही आपको कहां पर जाने की आवश्यकता नहीं है, हमारा टीम आपको घर बैठे ही लाइसेंस प्राप्त कराएगी। तो स्क्रीन पे जो नंबर शो कर रहा है उस पे कॉन्टेक्ट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे अगर आपका कुछ भी सवाल है तो आप कमेंट कीजिए, हमारी टीम उसका रिप्लाई जरूर करेगी, और इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।